और परवेज इलाही की जेल में सहूलत ना देने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। जेल में जहां मुझे रखा गया वहां कीड़े मकोड़े फिरते थे, परवेज इलाही की जानिब से कहा गया और उन्होंने कहा कि मेरे पांव फूल चुके हैं, सेहत बहुत ख़राब है। परवेज इलाही का अदालत में बयान, इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक, बताएगा उनके वकील की जानिब से क्या कहा गया। जी बिल्कुल, अदालती हुक्म पर जेल हुकाम ने परवेज इलाही को अदालत में पेश किया तो जस्टिस समदद रफीक ने कहा कि बताएं चौधरी साहब, आप कब से जेल में हैं और आपको क्या मुश्किल आते हैं। परवेज इलाही ने बताया कि मैं गुज़श्ता 1.5 माह से जेल में हूं और अदालत के सामने जेल हुकाम मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे जेल में किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की गई। जेल की जिस बैरक में रखा गया वहाँ पर कीड़े मकोड़े फिरते हैं और वाशरूम भी जेल में है, ना ही AC लगाया गया, ना ही रूम कूलर लगाया गया है, बल्कि मुझे वहाँ पर इतनी ज्यादा हब्स है कि मेरा वहाँ सांस लेना दुश्वार है। अदालत ने कहा कि आप क्या चाहते हैं। परवेज इलाही ने कहा कि मुझे जेल से सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए क्योंकि मेरी सेहत खराब है। इस मौके पर सरकारी वकील ने परवेज इलाही के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि परवेज इलाही को रूल्स के मुताबिक जेल में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस पर मौजूद जज जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि आपके पास क्या सबूत हैं। इस मौके पर सरकारी वकील ने वो तस्वीर अदालत में पेश की जी जहां पर परवेज इलाही को जेल की बैरक में रखा गया था और उसके मुताबिक परवेज इलाही को जेल में रूम कूलर फराहम किया गया है और तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। लेकिन इस मौके पर परवेज इलाही ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है, ये सब तस्वीर बनवा कर दोबारा से सहूलियात वापिस ले लेते हैं। अदालत ने कहा कि फिर अब आप क्या चाहते हैं। परवेज इलाही ने कहा कि मुझे तमाम सहूलियात दी जाएं। अदालत में परवेज इलाही ने कहा मुझे तमाम सहूलियात दी जाएं। मोहम्मद इशफाक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।